दोस्तों कहते हैं, सफ़र में मुश्किलें आएं तो ज़रूरत और बढ़ जाती है। सफ़र में मुश्किलें आएं तो ज़रूरत और बढ़ जाती है, और जब कोई रास्ता रोके तो हिम्मत और बढ़ जाती है। अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर। अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर। अगर न बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ जाती है। दोस्तों, मैं नवीन आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं कोशी स्टडी यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में। दोस्तों, प्रत्येक दिन के भांति रसायन शास्त्र का पार्ट 6 लेकर के आए हैं डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम को टारगेट करने के लिए। तो प्रतिदिन शाम 6:30 बजे आप सभी ज़रूर लाइव आ जाया कीजिए, और शाम 7 बजे आपका बायोलॉजी का क्लास चलता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, यदि आप हमारे नए साथी हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन को दबाने के बाद नोटिफिकेशन को ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा और आपसे कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, केमिस्ट्री के सीरीज को आगे बढ़ाते हैं, और आपका लास्ट क्वेश्चन होमवर्क के रूप में था 250 का, तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और साथ ही साथ इस वीडियो को एक शेयर आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर कर दीजिए, जिससे कि आपके साथी भी लाइव ज्वाइन हो सके। तो निश्चित रूप से दोस्तों, इस वीडियो को एक शेयर ज़रूर कर दीजिए और एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। चलिए, आपका ये पहला क्वेश्चन है आज का, और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करते चलिएगा। क्वेश्चन है, सिल्वर और गोल्ड धातु का परिष्करण निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? अयस्क से अगर सिल्वर और गोल्ड प्राप्त करना होता है तो किस विधि द्वारा लास्ट में उसका परिष्करण किया जाता है? विद्युत अपघटन द्वारा, चुनकर, या फिर चुंबक के द्वारा, या फिर अपचयन विधि के द्वारा? तो दोस्तों, चुनकर तो होगा नहीं, चुंबक के द्वारा होगा नहीं, अपचयन होगा ही नहीं। आपका सही आंसर विद्युत अपघटन विधि द्वारा सिल्वर और गोल्ड को धातु से अलग किया जा सकता है, अशुद्ध धातु से। आगे बढ़ते हैं। सक्रियता श्रेणी के नीचे आने वाले धातुओं का निष्कर्षण कैसे किया जाता है? सक्रियता श्रेणी में जो सबसे नीचे आते हैं उसका परिष्करण कैसे किया जाता है, क्योंकि वह कम क्रियाशील होता है। धातु के ऑक्साइड को गर्म करके, धातु के ऑक्साइड पर अम्ल की अभिक्रिया से, धातु के ऑक्साइड को जल में घुलाकर, या फिर अपघटन विधि से? तो दोस्तों, जो भी कम क्रियाशील होते हैं तो उस वैसे धातु के ऑक्साइड को गर्म करके धातु का परिष्करण किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? ये भी द्रव में रहता है और ये भी द्रव में रहता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और कन्फ्यूज करने वाला है। तो दोस्तों, यहाँ पर पूछा क्या गया है, अधातु। अधातु अब जानिए कि इसमें है कौन। तो दोस्तों, आपका धातु जो है वो आपका HG है, और ब्रोमीन जो है आपका अधातु है। तो निश्चित रूप से अधातु कमरे के ताप पर, तो इसका मतलब ब्रोमीन हो जाएगा, और HG आपका धातु है। इस तरह से ए नंबर का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है और उच्च गलनांक वाला यौगिक का निर्माण करता है। यह यौगिक क्या होता है? जल में विलय होता है। यह तत्व क्या हो सकता है जिसके साथ ऑक्सीजन अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाएगा, और वह यौगिक जो होगा जल में घुलनशील होगा? कमेंट दोस्तों फास्ट करते चलिए। बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा कैल्शियम। आगे बढ़ते हैं। धातुओं को पीट करके चादरें बनाई जा सकती है, यह धातु का कौन सा गुणधर्म होगा? धातु को पीटकर यदि चादर बनाई जाती है तो वह धातु का कौन सा गुणधर्म कहलाएगा? बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही कह सकते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आघात वर्धता। और जिसे खींच करके लंबी तार बनाई जा सके उसे तन्यता कहा जाता है। आगे देख लेते हैं।
एक ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबी तार खींची जा सकती है। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर तक की लंबी तार खींची जा सकती है। बिल्कुल सही जवाब है, धातु में यह गुण धर्म क्या कहलाती है, जिसके संबंध में अभी हम चर्चा किए। बताइए दोस्तों इसका क्या आंसर होगा, हम बोल चुके हैं आंसर बताइए। बिल्कुल दोस्तों सही जवाब, तन्यता का गुण कहलाता है। और पीट कर अगर लोहा को पीट करके चादर बना देंगे तो वो आपका आघात वर्धता, और लंबी तार बना देंगे तो तन्यता। आगे बढ़ते हैं, लेड तथा मरकरी उष्मा के क्या होते हैं। लेड शीशा और मरकरी ये उष्मा के क्या होते हैं, अच्छे चालक होते हैं, अचालक होते हैं, अल्पतम चालक होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हम लोग जो है मरकरी का पारा का यूज करते हैं थर्मामीटर में, देखते हैं कि कितना गर्म होने के बाद इसका पारामीटर कितना चढ़ता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, उष्मा के चालक होते हैं, लेकिन अच्छे चालक नहीं होते हैं दोस्तों, ये चालक होते हैं, कह सकते हैं ऐसा कि अल्पतम चालक हैं। क्या हो जाएगा, अल्पतम चालक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है। एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है दोस्तों बताइए, अम्लीय क्षारीय दोनों या कोई नहीं। तो दोस्तों बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा, अम्लीय और क्षारीय दोनों होती है। आगे बढ़ते हैं, कॉपर सल्फेट के नीला विलयन में, कॉपर सल्फेट के नीला विलयन में जिंक डालने पर जिंक सल्फेट का कैसा लवण बनता है। कॉपर सल्फेट के नीला विलयन में अगर जिंक डाल देते हैं तो क्या होता है, ये जिंक जो है कॉपर को हटा देता है सल्फेट से और खुद जिंक सल्फेट बनाता है, तो यह लवण किस रंग का होगा। बिल्कुल दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, वर्णहीन होता है, मतलब कि कोई रंग नहीं होता है, जैसे कि पानी बिना रंग का है तो उसी तरह से हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, तनु ZN पर तनु H2SO4 अम्ल की अभिक्रिया से कौन सी गैस बनती है। जिंक से अभिक्रिया करता है तनु H2SO4, तो बताइए कि कौन सी ये अभिक्रिया कौन सी गैस बनाएगी। बिल्कुल दोस्तों ZnSO4 बना लेगा, H2 अलग हो जाएगा, कहने का मतलब H2 गैस बनाएगा। आगे बढ़ते हैं, एल्युमिनियम के सतह पर मोटी ऑक्साइड की परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाता है बताइए। इससे पहले भी ये क्वेश्चन हो चुका है दोस्तों, एल्युमिनियम को बचाने के लिए सुरक्षित रखने के लिए इस पर क्या करते हैं, हम ऑक्साइड की पतली परत चढ़ा देते हैं, इसे क्या कहिएगा आप। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका एनोडीकरण हो जाएगा। और दोस्तों जब जस्ते की परत लोहे के ऊपर चढ़ा देते हैं तो उसे गैल्वेनीकरण या यशद लेपन कहा जाता है। तो यहाँ पर भी आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि आप इस यहाँ पर जस्तीकरण लगा दीजिए, तो जस्तीकरण में जस्ता का लेप लोहे के ऊपर अगर वगैरह चढ़ाया जाता है तो वो आपका गैल्वेनीकरण होता है, ये आपका एनोडीकरण हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, धातुएं जल से अभिक्रिया करके कौन सी गैस बनाती है। धातु जल से अभिक्रिया करके कौन सी गैस बनाएगी, ऑक्सीजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो बिल्कुल दोस्तों इसका सही जवाब जो हो जाएगा H2 गैस निष्कासित करेगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रोमीन को नोबेल गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है बताइए। ब्रोमीन गैस जो है इसे नोबेल यानी कि अस्थाई बनने के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ेगी बताइए दोस्तों इसका क्या हो जाएगा। तो दोस्तों आपको पता है कि ब्रोमीन जो है 35 नंबर पर है, और 35 नंबर का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेगा तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, उसके बाद 3d10 होता है। तो ये आपका जो है इस तरह से यहाँ तक हो गया 30 तक। अब यहाँ पर देखिए 4s2 तक जो है आपका 20 हो जाता है, 20 10 30, उसके बाद 4p5,
तो पी में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है दोस्तों, पी सिक्स, छः होने पर अस्थाई हो जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, पाँच ही है, पी में कितना है, पाँच है, तो कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है अस्थाई होने के लिए। तो दोस्तों आप कहिएगा पाँच में एक इलेक्ट्रॉन अगर दे देंगे हम तो ये छः इलेक्ट्रॉन में आ जाएगा और ये अस्थाई हो जाएगा। कहने का मतलब है इसे जो है अस्थाई होने के लिए, नोबेल गैस जैसा जो है बनने के लिए क्या होना चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन और होना चाहिए इसके पास। इस तरह से इसका सही आंसर ए नंबर का हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन दो इलेक्ट्रॉन खोकर अस्थाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करता है, निम्न में से कौन है जो दो इलेक्ट्रॉन को खो करके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करता है, अस्थाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसका मतलब जिसके कक्षा में दो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा तो वो जो है क्या करेगा, त्याग करेगा और अस्थाई इलेक्ट्रॉन जो है बन जाएगा। तो मैग्नीशियम, सोडियम, कॉपर या फिर क्रोमियम क्या होगा, तो दोस्तों आपको पता है मैग्नीशियम आपका 12 नंबर पे है और कॉपर जो है आपका ये हो जाएगा 29 नंबर पर, क्रोमियम हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका 24 नंबर पे, कितना नंबर पे, 24 नंबर पे, और ये आपका 11 नंबर पे। तो देखिए 10 तक क्या होता है, 1s2 होता है, 2s2 होता है, 2p6 होता है, ठीक, इसके बाद 3s क्या होता है, 2 होता है, तो 4 6 यहाँ पर 2p6 हो जाएगा, तो यहाँ तक 10 हो जाएगा। इसके बाद देखिए दो एक्स्ट्रा किस में जाएगा, 12 12 पर आपका क्या है, मैग्नीशियम, इसका सही आंसर हो जाएगा। ये होगा नहीं, 24 3d4 होता है, ये आपका 3d10 1s4s2 1 हो जाएगा और ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 3s1 हो जाएगा, तो ये भी आपका होगा ही नहीं। इस तरह से ए नंबर का इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, NaCl है क्या है दोस्तों, कमेंट करके फास्ट में जवाब दीजिए। एक अणु है, यह विपरीत आयनों का समुच्चय है, इसमें सहसंयोजक बंधन है या फिर इनमें से कोई भी नहीं, क्या होगा दोस्तों, इसका सही जवाब आपको देना है। बिल्कुल दोस्तों, NaCl जो है यह विपरीत आयनों का समुच्चय है, देखिए Na प्लस Cl माइनस में होता है, ये दोनों विपरीत आयनों का समुच्चय है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, NaCl विलयन एवं कॉपर धातु, MgCl2 विलयन एवं अल्मोनियम धातु, FeSO4 विलयन एवं सिल्वर धातु या फिर AgNO3 विलयन और Cu धातु, क्या होगा। तो दोस्तों यहां पर आप देख लीजिए, इसमें जो है AgNO3 और कॉपर धातु जो हो जाएगा यहां पर दे दिया गया है, युगल विस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है, डी नंबर का सही आंसर। अब यहाँ पर देख लीजिए किस तरह से रिएक्शन किया है, तो AgNO3 प्लस Cu मिलकर के CuNO3 का होल 2 बनाएगा एक्वस रूप में और 2Ag जो हो जाएगा गैस के रूप में, सॉलिड के रूप में अलग हो जाएगा। तो इस तरह से NaCl विलयन एवं कॉपर धातु, क्योंकि कॉपर सिल्वर से ज़्यादा सक्रिय है इसलिए क्या करेगा, Ag को हटा देगा और Cu अपना जगह ले लेगा, तो इसे कहते हैं युगल विस्थापन अभिक्रिया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर डी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। हीरा और ग्रेफाइट में कौन विद्युत का सुचालक है, हीरा और ग्रेफाइट में कौन विद्युत का सुचालक है, हीरा और ग्रेफाइट दोनों, या ग्रेफाइट या फिर कार्बन। तो दोस्तों हीरा कुचालक होता है जबकि ग्रेफाइट जो है आपका, जैसे कि पेंसिल हो गया आपका, वो आपका सुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ठोस अवस्था में विद्युत संयोजक यौगिक जो है विद्युत का चालन करेगा, धीमी गति से करेगा, नहीं करेगा, या उपरोक्त में से सभी कथन सत्य है, क्या होगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ठोस अवस्था में जितना भी विद्युत संयोजक यौगिक होता है यह विद्युत का चालन नहीं करता है जब तक कि उसे एक्वस रूप में नहीं बना दिया जाए। आगे बढ़ते हैं, विद्युत संयोजक यौगिक जो है कार्बन डाइसल्फाइड में क्या होगा, घुलनशील होगा, अल्प घुलनशील होगा, या अघुलनशील होगा, या फिर घुलनशील होता ही नहीं है।
क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा नहीं घुलता है, मतलब घुलनशील नहीं है। आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों सी नंबर का भी सेम ही आंसर है, अघुलनशील होते हैं यानी कि नहीं घुलते हैं। आगे बढ़ते हैं, लोहे में जंग किन किन वस्तुओं की उपस्थिति में लग सकता है? लोहे में जो जंग लगता है उसके लिए क्या क्या उपस्थिति चाहिए? वायु और जल की उपस्थिति में, शुष्क वायु की उपस्थिति में, केवल जल की उपस्थिति में, या फिर तेल की उपस्थिति में। तो तेल की उपस्थिति में जंग नहीं लगता है, वायु और जल की उपस्थिति में, शुष्क वायु की उपस्थिति में तो होगा ही नहीं। बच गया आपका ए और सी नंबर का। अब बताइए कि इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो केवल और केवल जल हो जाए तो क्या जंग लगेगा? नहीं लगेगा, जल के साथ साथ वायु भी चाहिए। इस तरह से ए नंबर का सही आंसर हो जाएगा। इसका जवाब दीजिए दोस्तों क्या होगा? लोहे पर भाप की अभिक्रिया से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? लोहे पर यदि भाप छोड़ा जाए तो अभिक्रिया होने से कौन सी गैस निकलेगी? बिल्कुल दोस्तों सही जवाब हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आयरन ऑक्साइड Fe2O3 के साथ एल्युमिनियम की अभिक्रिया से गलित लोहा प्राप्त होता है। जब आयरन ऑक्साइड के साथ एल्युमिनियम की अभिक्रिया कराई जाती है तो इससे गलित लोहा प्राप्त होता है, इस अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया कहा जाता है? क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल दोस्तों सही जवाब हो जाएगा उपचयन अभिक्रिया होगी। इस अभिक्रिया को उपचयन अभिक्रिया कहा जाएगा, क्योंकि लोहा जो होता है ऑक्सीजन से अलग होगा, इसका मतलब उपचयन अभिक्रिया हो जाएगा। अब आगे अगर मान ले कि Fe2O3 बनता तब इसे अपचयन लेते। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए अभिक्रिया में से कौन अपचायक है? नीचे दिए गए अभिक्रिया में से कौन अपचायक है बताइए? MnO2 एल्युमिनियम से अभिक्रिया करता है, MnAl2O3 बनाता है। अब क्या होगा दोस्तों बताइए? इससे पहले हम आपको ये क्वेश्चन बता चुके हैं, अभी यहाँ पर हट रहा है किससे? Mn से जो है O2 हट रहा है, तो आपको पूछा गया है अपचायक कौन है, तो जा किस में रहा है दोस्तों बताइए, जा किस में रहा है? तो दोस्तों जा रहा है ये ऑक्सीजन एल्युमिनियम में, इसलिए अपचायक यहाँ पर क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम हो जाएगा। उपचायक यहाँ पर मैग्नीज हो जाएगा। NaCl का क्वथनांक कितना होता है? नमक का क्वथनांक कितना होता है? बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा 1686 केल्विन होता है। आगे बढ़ते हैं, नमक का क्वथनांक 1686 केल्विन होता है। सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अयस्क वाले चैप्टर में आपको ये सभी पढ़ने के लिए है, धातु का निष्कर्षण में। क्या होगा दोस्तों? सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करते हैं तो वह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, यह प्रक्रिया क्या कहलाएगा? तो यहाँ पर वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है ना, तो बताइए क्या होगा दोस्तों? फंजन में क्या होता है? वायु की उपस्थिति होनी चाहिए, और निस्तापन में वायु की अनुपस्थिति हो या फिर अल्पतम मात्रा हो तो वो आपका निस्तापन होता है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? भंजन हो जाएगा। भंजन में ही वायु की उपस्थिति होती है और ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है सल्फाइड अयस्क। याद रखिए दोस्तों, बहुत बार पूछा जाता है प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था, यूरिया का खोज किसने किया था बताइए? दोस्तों आपको पता है बर्जेलियस के शिष्य कौन थे? बर्जेलियस के शिष्य कौन थे दोस्तों? फ्रेडरिक वोहलर थे। तो वोहलर ने यूरिया का खोज किया था, संश्लेषण किया था। आगे बढ़ते हैं, कैल्शियम कार्बाइड पर जल की अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलेगी बताइए? कैल्शियम कार्बाइड का नाम सुने ही होंगे आपको, टेंथ में है पढ़ने के लिए, अलेवेंथ में है आपको पढ़ने के लिए, फिर ट्वेल्थ में भी आपको पढ़ने के लिए था, और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों,
H2O और कैल्शियम कार्बाइड मिलकर के COOH का होल 2 और C2H2 बनाता है। C2H2 ये कौन सा गैस है दोस्तों? एसिटिलीन गैस है। कौन सा गैस है? एसिटिलीन गैस। इथाइन इसका आंसर लिया है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से हाइड्रोकार्बन कौन है? हाइड्रोकार्बन बताइए कौन है। हाइड्रोकार्बन में क्या होता है दोस्तों? जब आपका सी और एच होता है तो वो आपका हाइड्रोकार्बन हो जाता है। तो H2O होगा नहीं, CO2 होगा नहीं, HNO3 होगा नहीं, बी नंबर का सही आंसर हो जाएगा, C6H12O6। आगे बढ़ते हैं, सिंगल बॉन्ड CO HO ये अभिक्रिया मूलक जो है किसका है बताइए? इसे आप इस तरह से लिख सकते हैं, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H। कार्बन की चार वैलेंसी यहाँ पर होनी चाहिए, बताइए ये किसका मूलक है? सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड एच, किसका मूलक? बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, और इसे बहुत दिन से आप भूल भी गए होंगे। एल्डिहाइड दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा। और सिंगल बॉन्ड ओ एच जो होता है ये आपका ऑक्सीजन हो, ये अल्कोहल होता है। आगे बढ़ते हैं, सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पर ओ उसी से जुड़ा हुआ है, एच भी उसी से है जुड़ा हुआ, इसका अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहिएगा बताइए? कीटोन कहिएगा, एल्डिहाइड कहिएगा, अम्ल कहिएगा या इथर? इसे आप इस तरह से लिख सकते हैं, सिंगल बॉन्ड सी, ठीक ना, डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड एच, इस तरह से आप इसे लिख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, कॉमेंट में फास्ट बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आपने ऑक्जेलिक एसिड का नाम सुना ही होगा, यहाँ पर पूरा नाम नहीं है, केवल और केवल अम्ल है। ऑक्जेलिक एसिड का जो है ये अभिक्रियाशील मूलक है, सी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन समावयवी है बताइए? समावयवता आप सभी जानते हैं, जिसका अणुसूत्र समान होता है लेकिन संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हुआ करते हैं, इस तरह से उसका जो है गुण भी क्या होता है, भिन्न भिन्न हो जाता है। जैसे कि हम बात करें यहाँ पर सी सी, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, बॉन्ड लगा देते हैं, सी एल लगा देते हैं यहाँ पर, ठीक ना, एच लगा दिए, एच लगा दिए, और हर जगह यहाँ पर एच लगा दिए, ठीक, और यहाँ पर भी एच है, तो ये क्या हो जाएगा आपका Cl अभी यहाँ पर है, और दूसरा में हम क्या करेंगे CC यहाँ पर लगा दिए, Cl हम यहाँ पर लगा दिए, बाद वहाँ की जगह H है, तो ये क्या हो जाएगा, एक दूसरे के समावयव हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सूत्र जो है इसका समान है, लेकिन यहाँ पर इसका संरचना जो है थोड़ा सा डिफरेंस है, जिसके कारण दोनों का गुण अलग अलग हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए कार्बन दो है, हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पर 6 है, ऑक्सीजन 1 है। यहाँ पर देखिए कार्बन एक यहाँ दो, हाइड्रोजन 3, 3, 6 और ऑक्सीजन 1 है। तो इसका मतलब सी नंबर का सही आंसर हो जाएगा, एक दूसरे के समावयवी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको समाप्त कर लेते हैं अभी। निम्नलिखित में से कौन सहसंयोजी यौगिक है बताइए? सहसंयोजित यौगिक है CH4 है, NaCl है, CaCl2 है, या फिर Na2O है? बिल्कुल दोस्तों, सहसंयोजी यौगिक है, कहने का मतलब यहाँ पर जो है साझा करता है, जैसे कि कार्बन कार्बन क्या करता है, साझा करता है। यहाँ पर कार्बन का चार वैलेंसी होता है, चार वैलेंसी होता है, दूसरे कार्बन में भी चार वैलेंसी होता है, और ये दोनों जो है मिल करके साझा करता है, तो मतलब बॉन्ड बनता है, जहाँ भी बॉन्ड बन जाता है वो आपका CH4 हो जाएगा, ए नंबर का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के तीन आबंध हैं बताइए? किस में त्रिबंध हैं? CH4 में, C2H6 में, C3H8 में, या फिर C2H2 में? तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, दो कार्बन लगा दीजिए, C2H2 है डी नंबर का ऑप्शन, और यहाँ पर तीन बॉन्ड लगा दीजिए, तो कार्बन की वैलेंसी चार होनी चाहिए, एक यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, तो दोनों कार्बन की चार चार वैलेंसी क्या है, संतुष्ट हो चुकी है। इसका मतलब तीन बॉन्ड यहाँ पर डी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। इसका आंसर जो है ए नंबर का लिया है, जो गलत है। आगे बढ़ते हैं,
ब्यूटेनॉन, ब्यूटेनॉन जो है एक कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रक्रियात्मक समूह होता है, बताइए, ब्यूटेनॉन एक कार्बनिक यौगिक है जिसका फंक्शनल ग्रुप होता है, क्या होगा? सभी ऑप्शन आपके सामने हैं दोस्तों, कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों ब्यूटेनॉन यहाँ पर क्या है, कीटोन को अगर जोड़ देंगे ब्यूट में तो वो क्या हो जाता है, ब्यूटेनॉन हो जाता है। और दोस्तों ब्यूटेनॉन में आपको पता है यहाँ पर चार कार्बन जोड़ा जाता है, ठीक ना, चार कार्बन जोड़ा जाता है तो वो आपका ब्यूटेनॉन हो जाता है। तो इस तरह से, और इसमें आप जो है C4H 4^8 जोड़ दीजिए, 8 कार्बन, और यहाँ पर एक बॉन्ड लगा करके आप क्या कर दीजिए, ब्यूटेनॉन को जोड़ दीजिए, यानी कि कीटोन को जोड़ दीजिए। कीटोन का क्या होता है, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O H। अब देखिए सबकी वैलेंसी संतुष्ट है, क्या है, सबकी वैलेंसी संतुष्ट है, इसे आप बोलिएगा ब्यूटेनॉन। चार कार्बन है, 8 हाइड्रोजन हो जाएगा, एक बॉन्ड जो हो जाएगा हाइड्रोजन का वो इनसे जुड़ जाएगा कार्बन से, ठीक ना। तो इसके बाद देखिए ये सारा का सारा आपका ब्यूटेनॉन हो जाएगा, कहने का मतलब सी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं, बताइए, नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं, नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं, एक आबंध, दो आबंध, त्रि आबंध, या इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों तीन आबंध होते हैं, और यहाँ पर आपको पता है कि दो जो है बॉन्ड यहाँ पर छुपा हुआ भी रहता है, तो इस तरह से इसका त्रि आबंध होता है, सही आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, सभी हाइड्रोकार्बन से ही क्वेश्चन आ रहे हैं, एल्कीन का सामान्य सूत्र, तो एल्केन का क्या होता है, CnH2n+2 हो जाता है, और एल्काइल का क्या होता है, CnH2n+1 हो जाता है, और यहाँ पर एल्कीन पूछा है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, CnH2n हो जाएगा एल्कीन। तो दोस्तों यहाँ पर आप एक नज़र देख लीजिए हाइड्रोकार्बन के प्रकार, हाइड्रोकार्बन जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है उसे एल्केन कहा जाता है, CnH2n+2, इसमें प्रत्येक कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। इसके बाद आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन आता है जिसमें कि आपका CnH2n एल्कीन श्रेणी बोला जाता है, इसमें क्या होता है कि त्रिबंध वाला असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होता है वो आपका एल्काइन कहलाता है, और द्विबंध वाला जो होगा वो आपका एल्कीन कहलाएगा। तो यहाँ पर देखिए त्रिबंध वाला जो एल्काइन कहलाएगा CnH2n-2 होता है, और आपको पूछा गया है एल्कीन का सामान्य सूत्र, तो क्या हो जाएगा, CnH2n हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप जो है हाइड्रोकार्बन को एक बार अच्छे से ज़रूर रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र है, इथाइल अल्कोहल, तो दोस्तों इथ कब लगता है, इथ कब लगता है, तो ETHYL लिखते हैं इथाइल अल्कोहल, इसका मतलब इथ मीन्स होता है दो, कितना होता है दो, तो दो क्या, तो दो कार्बन होना चाहिए। तो देखिए दो कार्बन यहाँ पर है, दो कार्बन यहाँ पर है, और यहाँ पर भी देखिए दो कार्बन है, तो क्या सभी हो जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। ये होता है यानी कि एल्काइल ग्रुप एक जुड़ा हुआ रहता है किसके साथ, OH के साथ, तो एल्काइल ग्रुप का फॉर्मूला होता है CnH2n+ क्या होता है, 1 होता है, तो CnH2n+1, तो यहाँ पर तो OH जुड़ा हुआ है ही। इसके बाद देखिए इसमें कौन सा है CnH2n+1, तो यहाँ पर आपको कहिएगा कि यही है CnH2n+1, तो n रखिएगा तो 2 × 2 = 4 = 5 हो जाएगा, कहने का मतलब CnH2n+1 ये आपका एल्काइल ग्रुप होता है। तो इस तरह से बी नंबर का सही आंसर हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा, वैलेंसी इसमें संतुष्ट नहीं है, इसमें भी संतुष्ट नहीं है, चेक कर लीजिएगा आप। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, जब हम हाइड्रोकार्बन आपको पढ़ाएंगे, एक न्यू चैनल बनेगा बिहार बोर्ड पर, तो उस चैनल पर जब हम आपको हाइड्रोकार्बन बताएंगे केमिस्ट्री में तो पूरा एक्सप्लेन कर देंगे। बताइए चीनी का सूत्र क्या होता है, बिल्कुल सही जवाब दोस्तों C12H2O11 आपका चीनी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, CnH2n+2 किसका होता है, बताइए एल्केन,
जिसे आप एल्केन मतलब कि समानसूत्र सिंगल बॉन्ड जिसमें होगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर संतृप्त हाइड्रोकार्बन सी नंबर का सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों बताइए? हम लोग रोज ग्लूकोज खाते हैं, बताइए। चीनी का था C12H2SO11 था इस तरह से। इसका सही आंसर बिल्कुल सही जवाब C6H12O6 हो जाएगा। कार्बोनिल ग्रुप प्रतिकारक कौन है बताइए? कार्बोनिल ग्रुप होता है ये, इसका जो है फंक्शनल ग्रुप कौन हो जाएगा? सभी ऑप्शन आपके सामने है। इससे पहले दोस्तों बताए थे आपको कार्बोजोलिक एसिड, वही है आपका कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोजोलिक एसिड, ये आपका सी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। ये आपका एल्डिहाइड हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा? कीटोन हो जाएगा। और इसे क्या कहते हैं, थोड़ा सा ध्यान से बाहर है। आगे बढ़ते हैं, हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या है? तो दोस्तों समावयवी है, समस्थानिक है, बहुलक है, अपर रूप है। बिल्कुल दोस्तों सही जवाब अपर रूप है। आगे बढ़ते हैं, मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है? मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है बताइए? मेथेनोइक, मेथ मेथ मतलब क्या होता है दोस्तों? मेथ मतलब होता है एक, क्या होता है? मेथ मतलब एक, इथ मतलब दो, प्रोप मतलब तीन, ब्यूट मतलब चार। तो मेथेनोइक ओइक अम्ल मतलब कि इसे कह सकते हैं आप फॉर्मिक एसिड, क्या कहिएगा? फॉर्मिक एसिड। और एसिटिक एसिड जो होता है ये होता है आपका C2, इसमें दो कार्बन होता है एसिटिक एसिड में, इसे आप कह सकते हैं इथेनोइक एसिड, क्या होता है? इथेनोइक एसिड। और मेथेनोइक एसिड आपका क्या हो जाएगा? फॉर्मिक एसिड। और एसिटिक एसिड आपका क्या हो जाएगा? इथेनोइक एसिड। तो ये आपका IUPAC नेम और व्यापारिक नेम दोनों होता है, आप इसे याद रखें। आगे बढ़ते हैं, 10-8 क्वेश्चन और बच गया है, क्लियर कर लेते हैं। अल्कोहल श्रेणी के यौगिकों में कौन सा अभिक्रियाशील मूलक विद्यमान होता है बताइए? अल्कोहल वाले श्रेणी में, तो दोस्तों अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है पहले आप ये जानिए। तो सिंगल बॉन्ड OH होता है, ठीक ना? तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं बताइए? ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? बिल्कुल दोस्तों ऑक्सीजन परमाणुओं के बीच दो आबंध होते हैं। ऑक्सीजन कितने नंबर पे है? 8 नंबर पे है। 8 नंबर पे है तो बताइए ये अपना अस्थाई क्या करेगा? अस्थाई होना चाहेगा, तो 8 को तोड़िएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में तो क्या हो जाएगा? 2 6 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा। कहने का मतलब 2 2 2 2 1s2 2s2 2p में कितना आ जाएगा? p में आ जाएगा 4। 2 की ज़रूरत होती है तो 2 2 इलेक्ट्रॉन साझा करके क्या करता है? बॉन्ड बना लेता है, इसलिए यहाँ पर 2 बॉन्ड बन जाएगा, बी नंबर का सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंध हैं बताइए? नाइट्रोजन के अणु में कितने सहसंयोजक बंध हैं? इससे पहले भी ये क्वेश्चन आया था, बिल्कुल सही जवाब डी नंबर का सही आंसर हो जाएगा, 3 सहसंयोजक बंध है। कितने हैं? 3। अगला है, निम्नलिखित में कौन संयोजी यौगिक है, सहसंयोजक यौगिक है बताइए? जो लेता है देता है, जैसे कि मेरे पास एक बैल है और आपके पास भी एक बैल है, मेरे पास उतना क्षमता नहीं है कि हम 2 बैल रखें, मेरे पास कितना बैल है? 1 ही बैल है, आपके पास भी 1 ही बैल है, तो ऐसे में हम क्या करते हैं? हम दोनों को तो खेत जोतना ही है, खेती करना ही है, इसलिए क्या करेंगे? एक दिन हम ले लेंगे आपका बैल और एक दिन आप ले लीजिएगा मेरा बैल, दूसरे दिन हम ले लेंगे आपका बैल, तीसरे दिन आप ले लीजिएगा मेरा बैल। इसका मतलब आपका भी खेती हो जाएगा, मेरा भी खेती हो जाएगा, क्योंकि एक बैल से तो खेती संभव है नहीं, इसे बोलते हैं साझा। कहने का मतलब सहसंयोजक यौगिक किसमें है बताइए? बिल्कुल दोस्तों CH4 में सहसंयोजी बना है,
क्या हो जाएगा, सी एच फोर हो जाएगा। जैसे कि कार्बन के पास कितना यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, चार इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कर सकते हैं, और चार हाइड्रोजन को अगर आप लगा दीजिएगा तो हाइड्रोजन का भी एक एक यहाँ पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। यहाँ पर भी हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन। कार्बन को चाहिए कितना, कार्बन को चाहिए कह सकते हैं आठ वैलेंसी, कितना चाहिए, आठ वैलेंसी चाहिए। तो इसलिए ये करेगा क्या, हाइड्रोजन को चाहिए कितना, एक वैलेंसी पूरा करने के लिए दो चाहिए, तो एक हाइड्रोजन के पास है ही, तो ये एक बॉन्ड बनाएगा, एक बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन एक एक करके ले लेगा। जब कार्बन को जरूरी लगेगा ना, तो ये क्या करेगा, चारों हाइड्रोजन से और अपना बैल मिला करके क्या करेगा, आठ बैल पूरा करेगा, तभी इसका खेत जुताई हो पाएगा। इस तरह से CH4 इसका सही आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, सोडियम के टुकड़े को एथेनॉल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है, बताइए। एथेनॉल, इथाइल अल्कोहल, सोडियम के टुकड़े पर एथेनॉल डालने पर कौन सी गैस मुक्त होगी। दोस्तों बहुत ही आसान है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है, H2 गैस मुक्त होगी। आगे बढ़ते हैं, मीथेन, इथेन और प्रोपेन किस श्रेणी के सदस्य हैं, बताइए। इससे पहले भी दोस्तों ये क्वेश्चन आ चुका है, जिसे आप बोले थे समावयवी स्वजातीय, ए नंबर का सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि तीनों क्या है, एल्केन है, इसका मतलब समजातीय है। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन एथेनोइक अम्ल का तनु घोल है, बताइए। तनु घोल है, कंक एसिड है, एथेनोइक एसिड। आपको बताए थे मेथेनोइक एसिड क्या होता है, आपका मेथेनोइक एसिड क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है, और एथेनोइक एसिड का तनु घोल क्या होगा, बताइए। बिल्कुल दोस्तों, उसे आप सिरका कहेंगे। आगे बढ़ते हैं, हेक्सेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, इसका कमेंट आप कमेंट करके बताइए कि क्या होगा, हेक्सेन का रासायनिक सूत्र क्या होगा। और दोस्तों कैसा लगा वीडियो, यह भी कमेंट करके आप जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किए तो दोस्तों लाइक जरूर कीजिए, इसमें कोई कंजूसी मत कीजिए, क्योंकि यही आपका लाइक जो है हमें ये बताता है कि आप पसंद करते हैं वीडियो, तो हम आपके लिए वीडियो तैयार करते हैं। तो निश्चित रूप से लाइक जरूर कीजिए, हमारे नए साथी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाने के बाद नोटिफिकेशन को ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि इस तरह का वीडियो आपका कभी भी मिस नहीं होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर से दोस्तों, अभी जो है आप शाम 7 बजे जरूर वीडियो लाइव होगा, तो आप जरूर लाइव हो जाइएगा, 7 बजे बायोलॉजी का क्लास अटेंड कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।